हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सब। आज की इस वीडियो में आपको बताने जा रहा हूँ कि आप बिना एडसेंस के ब्लॉगिंग करके पैसे कैसे कमा सकते हैं। जी हाँ, मैं आपको एफिलिएट प्रोग्राम के बारे में बताने जा रहा हूँ। यदि आप एफिलिएट प्रोग्राम को ज्वाइन करते हैं तो आप यहाँ पे $200 से $300 मंथली ईजिली अर्न कर सकते हैं, जो कि गूगल एडसेंस से करने में आपको काफ़ी टाइम लगेगा। और ये करने के लिए, गूगल एडसेंस से पैसे कमाने के लिए आपके पास ट्रैफिक भी बहुत ज़्यादा होना चाहिए। लेकिन यदि आप एफिलिएट मार्केटिंग करते हैं तो यहाँ पे आप कम ट्रैफिक में ज़्यादा रेवेन्यू जनरेट कर सकते हैं। अभी मैं आपको कैसे मैं यहाँ पे एफिलिएट मार्केटिंग करता हूँ अपने निश से रिलेटेड, तो आप भी ये सारे काम कर सकते हो। चलो उससे पहले वीडियो को शुरू करते हैं यार। और आपको एक रिक्वेस्ट मैं करना चाहूँगा, वीडियो अगर ये पसंद आ जाएगा तो वीडियो को लाइक करके जाइएगा, चैनल को सब्सक्राइब करिएगा अगर आपको ब्लॉगिंग सीखना है। आइए इस वीडियो को शुरू करते हैं और देखते हैं कि हम एफिलिएट मार्केटिंग से पैसे कैसे कमा सकते हैं। ओके दोस्तों, अभी मैं अपने लैपटॉप स्क्रीन पे आ चुका हूँ और कल मैंने वीडियो बनाया था, 3 ब्लॉगर टेम्पलेट के बारे में बताया था जो काफ़ी अच्छे हैं, रिस्पॉन्सिव हैं। इन वीडियो को देखिएगा और अगर ब्लॉगर के लिए टेम्पलेट ढूंढ रहे हैं टेम्पलेट, तो ये वीडियो देख के उनको डाउनलोड भी कर सकते हैं। डायरेक्ट मैंने डाउनलोडिंग लिंक भी दे रखा है, लिंक डिस्क्रिप्शन में है, साथ ही साथ आई बटन पे है। अब यहाँ पे आते हैं टॉपिक पर। मैंने यहाँ पे बहुत से प्लेटफॉर्म को ज्वाइन किया है, जैसे कि ब्लू होस्ट का जो एफिलिएट प्रोग्राम है, होस्टिंगर का है, रिसेलर क्लब का है, तो इन सभी प्लेटफॉर्म को मैंने ज्वाइन किया है और यहाँ पे मुझे काफ़ी अच्छा कमीशन मिलता है, इनको मैं प्रमोट करता हूँ। ये देखिए, ये सारे काम आप ऑफलाइन भी कर सकते हैं, अपनी वेबसाइट पे प्लेस कर सकते हैं, साथ ही साथ आप YouTube चैनल क्रिएट करके ये सारे चीज़ बताकर, आप डिस्क्रिप्शन में लिंक देकर वहाँ से भी आप रेवेन्यू जनरेट कर सकते हैं। अभी मैं आपको होस्टिंगर का यहाँ पे एक पेआउट दिखाता हूँ, मैं आपको कुछ दिखाता हूँ कमीशन मुझे जो मिला है। अभी देखिए, यहाँ पे जब मैंने स्टार्ट किया था यहाँ पे होस्टिंगर पर, तो मुझे यहाँ पे टोटल 9 कन्वर्जन किया था मैंने, 9 यहाँ पे सेल किया था और 750 क्लिक आए थे, जिसमें मुझे $274 की अर्निंग हुई थी। यहाँ पे आप देख सकते हैं, केवल 9 कन्वर्जन पर और 750 क्लिक्स पर यहाँ पे मुझे $274 मिल गए। उसके बाद यहाँ पे देख सकते हैं, कन्वर्जन 3 कन्वर्जन मैंने केवल किया है और मुझे $90 मिल गए। तो आप सोच सकते हैं यहाँ पे कितनी ज़्यादा यहाँ पे पोटेंशियल है अर्निंग करने के लिए एफिलिएट मार्केटिंग में। अगर आप ब्लॉगिंग के बारे में बता रहे हैं तो आप होस्टिंग को सेल करवा सकते हैं, एफिलिएट जो भी प्रोग्राम चलते हैं उनको ज्वाइन करके डोमेन सेल करवा सकते हैं। तो यहाँ पे जो कमीशन होता है वो काफ़ी हाई होता है। अभी देखिए, यहाँ पे 3 कन्वर्जन मेरा हुआ है, $90 मिला है, तो यानी कि एक कन्वर्जन का मुझे यहाँ पे $30 मिल रहा है। अभी देखिए, अगर आप ब्लू होस्ट के एफिलिएट प्रोग्राम को ज्वाइन करते हैं तो वहाँ पे आपको एक सिंगल सेल का ₹6,000 भी मिल जाते हैं। तो आप सोच सकते हैं कितना ज़्यादा यहाँ पे पोटेंशियल है अर्निंग का। तो आपको करना क्या होगा अगर आप भी इस तरह से अर्निंग करना चाहते हैं? तो देखिए, इस तरह की अर्निंग अगर आप करना चाहते हैं तो सबसे पहले आपको करना क्या होगा, एक ब्लॉग बनाइए। ऐसा ब्लॉग जो आप ब्लॉगिंग, जिसके बारे में आप ब्लॉगिंग के बारे में बताएं, आपकी जो ऑडियंस आए वो ब्लॉगिंग सीखने के लिए आए, होस्टिंग के बारे में जानना चाहे, तो वहाँ पे जो आप ट्रैफिक भेज रहे हो ना, वहाँ पे कन्वर्जन के जो चांसेस रहते हैं वो बहुत ज़्यादा होते हैं। तो यहाँ पे देखिए, आप YouTube चैनल भी खोलिए, ब्लॉग बनाइए और साथ ही साथ आप टेलीग्राम पे ग्रुप बनाइए जिसमें ब्लॉगर्स भरे पड़े हों, नए ब्लॉगर्स जाके वहाँ पे जुड़े। नए ब्लॉगर्स क्या करते हैं, ब्लॉगर प्लेटफॉर्म को यूज करते हैं और बाद में जाके वर्डप्रेस पे शिफ्ट करते हैं, तो उन्हें होस्टिंग की ज़रूरत पड़ती है। तो उन्हें होस्टिंग की ज़रूरत जब पड़ेगी तो वो रिसर्च करेंगे कि हम कौन सी होस्टिंग लें। अभी देखिए, मैं होस्टिंगर को क्यों प्रमोट करता हूँ, नए ब्लॉगर्स के लिए वो कम पैसे में एक बेस्ट होस्टिंग प्रोवाइड करती है, दैट्स वाई आई प्रमोट होस्टिंगर। अब यहाँ पे मैं ब्लू होस्ट को भी प्रमोट कर सकता हूँ, उसमें मुझे कमीशन भी ज़्यादा मिलेगा होस्टिंगर के मुकाबले, लेकिन मैं क्यों उसे प्रमोट नहीं करता हूँ, क्योंकि नया ब्लॉगर मेरे पास जो भी ऑडियंस है, मैं अपने ऑडियंस को एनालाइज किया हूँ, वो अभी उतना बजट उनका नहीं है कि वो महंगी होस्टिंग कंपनी को अफोर्ड कर पाएँ। तो यहाँ पे यदि उन्हें उनकी जो देखिए ट्रैफिक जो होगी उनके वेबसाइट की कम होगी, साथ ही साथ उन्हें स्पीड भी मिलेगी होस्टिंगर पर,
और जितना ट्रैफिक आ रहा है उसी हिसाब से उन्हें होस्टिंग लेना सही रहेगा। तो होस्टिंगर मैं उनको प्रमोट करता हूँ और पैसे भी कम लग रहे हैं, तो यहाँ पे जो कन्वर्जन के चांसेस हैं वो इम्प्रूव बहुत ज़्यादा हैं, मतलब कि वो खरीद सकते हैं। अभी मैं होस्टिंगर को प्रमोट करूँ और ब्लू होस्ट को प्रमोट करूँ तो यहाँ पे कन्वर्जन अगर देखा जाएगा तो ज़्यादातर होस्टिंगर को मिलेगा, ब्लू होस्ट को नहीं मिलेगा, क्योंकि होस्टिंगर फास्ट भी है, कम पैसा भी ले रही है, तो यहाँ पे कन्वर्जन ज़्यादा होगा और ऑडियंस भी मेरी यहाँ पे चीपेस्ट प्राइस खोज रही है, तो यहाँ पे मैं इसको प्रमोट कर रहा हूँ। तो आप भी ऐसे ही अगर ब्लॉगिंग के निश में हैं और आप चाहते हैं कि एफिलिएट मार्केटिंग किया जाए तो ऐसे भी आप अर्निंग कर सकते हैं। और यदि आप चाहते हैं कि आपका ब्लॉग का निश अलग है, जैसे बुक्स वगैरह आप बताते हो, बुक्स, टॉप 5 बुक्स, आप अमेजन पे जाके ज्वाइन कर लीजिए, वहाँ पे जो एफिलिएट प्रोग्राम चलता है वहाँ से आप बुक को सेल कर सकते हैं। वहाँ पे जो भी बुक्स हैं वहाँ से जाइए, उसके लिंक को कॉपी करिए, आप प्रमोट करिए उसको, तो वहाँ से भी आप कमीशन जनरेट कर सकते हैं। और साथ ही साथ बहुत सारे ऐसे एफिलिएट प्रोग्राम हैं जिनके बारे में बहुत लोगों को पता ही नहीं होता है। आप गूगल करिएगा एफिलिएट प्रोग्राम, टॉप एफिलिएट प्रोग्राम नीस, ऐसे आप सर्च करिएगा, आपको मिल जाएगा कि कौन कौन से एफिलिएट प्रोग्राम होते हैं। और यदि आपको लगा हो कि ये वीडियो अच्छा लगा है, इन्फॉर्मेटिव है और आपने प्रूफ भी देख लिया है, यहाँ पे इतने डॉलर का मुझे पे आउट मिला हुआ है, तो यानी कि यहाँ पे जो कन्वर्जन रेट है काफ़ी अच्छा है, अर्निंग की पोटेंशियल अच्छा है, तो आप भी इन चीज़ों को कर सकते हैं। वीडियो थोड़ी सी भी इन्फॉर्मेटिव लगी हो तो वीडियो को लाइक करिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं।